आराध्य के चरणों में वंदन। श्रद्धे पूज्यवर के चरणों में सविधि वंदन। विराजित चारित्रात्माएं, सधार्मिक बंधुओं बहनों, मुझे आदेश हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों के इस प्रथम सम्मेलन के संदर्भ में मैं कुछ निवेदन करूं। गुरुदेव, भारत में जब अंग्रेज आए तो प्रशासन चलाने के लिए उन्हें व्यक्तियों की आवश्यकता हुई और 1857 में पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों के चयन की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिन्हें उस वक्त ICS के नाम से जाना जाता था। 1857 से लेकर 1947 तक इसे ICS के नाम से जाना जाता रहा। 1947 में इसका नाम बदलकर IAS और दूसरी परीक्षाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरी परीक्षाएं कर दिया गया। प्रारंभ से ही IAS, IPS, इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, ये चार सर्विसेज इनके साथ जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद अब लगभग 30 से 35 सर्विसेज इनके साथ जोड़ दी गई और 1979 में इन सर्विसेज का नाम सिविल सर्विसेज कर दिया गया। तो अब ये सारी की सारी परीक्षाएं सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती हैं। युवा वर्ग जब नौकरी की तलाश करता है, एम्प्लॉयमेंट की तलाश करता है, तो एक प्रश्न सामने आता है कि वह कौन सा जॉब है, वह कौन सा काम है कि दो मिनट पहले आपका रिजल्ट आया और दो मिनट के बाद आपको पूरे जीवन भर समाज में मंच पे अथवा अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार मिल जाता है, सम्मान सहित आपको लोग बुलाते हैं, बिना मांगे अपना विजिटिंग कार्ड आपको देते हैं, आपसे अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं और आप समाज के उस वर्ग से जुड़ जाते हैं कि केवल इसलिए कि आप किसी सरकारी विभाग में उच्च पद पर हैं तो पूरे भारत सरकार की सरकारी मशीनरी से आप इस रूप से जुड़े हुए हैं कि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं अथवा नहीं जानते, आपका व्यक्तिगत संपर्क है अथवा नहीं, परंतु केवल आप अपने पद नाम से पूरे भारत भर में और भारत के बाहर भी भारत सरकार के जो कार्यालय हैं उनके दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, उनका नाम सिविल सर्विसेज परीक्षाएं हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा अधिकारी वर्ग के सम्मेलन की बात चली, मतलब अधिकार संपन्न। अधिकार संपन्न मतलब वह कुछ निर्णय ले सकता है, वह कुछ संपादित कर सकता है, वो कोई काम कर सकता है। यह एक सुविधा या एक अवसर, और यह सुविधा यह अवसर ही शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। भाई KL जैन साहब बैठे हैं आगे, कई बार कहा करते हैं कि भाई तू मेरा सारा पीसा ले ले, तेरी पोस्ट मन्ने दे दे। यह अधिकार संपन्न होना एक बहुत बड़ी जीवन की चुनौती है। जब व्यक्ति पद पर बैठा होता है, तुलसीदास जी कह गए, प्रभुता पाए कोई मद ना हुई, किसको मद नहीं होता। गुरुदेव, आप हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, नशा मुक्ति आपका अभियान है। शराब का नशा क्या होता है, गांजे का नशा क्या होता है, अफीम का नशा क्या होता है, हम नहीं जानते। सत्ता का नशा क्या होता है, इसका हम लोगों ने अनुभव किया है, और उस नशे को उतारना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं जो उसका इलाज कर सके। उस इलाज के लिए हम आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं कि हम अधिकार संपन्न तो रहें, हम उस अधिकार के माध्यम से समाज की, परिवार की, संघ की सेवा तो कर सकें, परंतु वह हमारा नशा न बने, हम नशा मुक्त बने रहें, ये हमारे सामने चुनौती है। उस चुनौती के लिए इस कार्यशाला में, इस सम्मेलन में गुरुदेव हम आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। TPF ने एक प्रयास प्रारंभ किया था कुछ वर्ष पूर्व कि प्रशासनिक अधिकारियों में अधिक से अधिक लोग समाज के कैसे ज्वाइन कर सकें। आज मेधावी छात्र सम्मेलन भी है, इस कार्यक्रम के साथ भी लगभग मैं एक दशक तक जुड़ा रहा और उन मेधावी छात्रों में से कुछ बच्चे आगे निकल करके इस आगे की पंक्ति में भी सम्मिलित हो गए हैं, उनका प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है।
एक छोटे स्तर पर किया गया कार्यक्रम अब यहां तक पहुंचने लगा है, परंतु उन प्रशासनिक अधिकारियों को चयन करवाने हेतु जिन सुविधाओं की और जिस मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है और जिस वातावरण की अपेक्षा होती है, उसमें एक बहुत सराहनीय प्रयास तो शुरू हुआ है टीपीएफ की तरफ से, परंतु उस प्रयास में अभी बहुत कुछ अपेक्षित है, उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र के अंदर यदि चले जाएं, तो सैकड़ों हजारों मकान, सैकड़ों लाखों कमरे केवल प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों से भरे हुए हैं। दिल्ली में तीन कॉलोनीज हैं, एक करोल बाग, एक लक्ष्मी नगर और एक यूनिवर्सिटी का एरिया मुखर्जी नगर का इलाका। तो जो लक्ष्मी नगर का इलाका है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैदा करने की फैक्ट्री है, जो मुखर्जी नगर का इलाका है वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले बच्चे हैं उनकी फैक्ट्री है, और जो करोल बाग का इलाका है वो प्रशासनिक अधिकारियों के जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने का स्थान है। वहां इतनी हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इतने ही लाखों की संख्याओं में बच्चे हैं, क्योंकि 10 लाख बच्चों को जब तैयारी करनी है तो उनमें से 500 बच्चों का चयन होता है। मैं कई बार कहा करता हूं कि यह सेवाओं का ओलंपिक्स है। ओलंपिक में यह होता है कि कोई भारत का भी, चीन का भी, जापान का भी, अफ्रीका का भी, अमेरिका का भी, 6 फुट 7 इंच वाला भी, 5 फुट 3 इंच वाला भी एक ही प्रतियोगिता में एक साथ भाग लेता है और किसी भेदभाव के बगैर उसको अपना पदक प्राप्त करना है। भारत की प्रशासनिक सेवाएं दुनिया में एकमात्र ऐसी सेवाएं हैं जहां 10 लाख बच्चे बैठते हैं, केवल 500 के चयन के लिए उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, इतिहास का विद्यार्थी भी है, फिजिक्स का विद्यार्थी भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एमबीए भी है, और यदि वो अंत तक पहुंचते पहुंचते सफल नहीं हुआ तो सांप सीढ़ी की तरह से उसको अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करनी है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब ये मेधावी बच्चे अपनी मेधा के माध्यम से स्कूल अथवा कॉलेज एजुकेशन के अंदर अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपनी दिशा खोज रहे हैं, उसी वक्त इनको हम मार्गदर्शन देना, उसको सहयोग प्रदान करना प्रारंभ करें, जिससे कि अगले 3-4 सालों में वह पौध तैयार हो सके जो अधिक से अधिक प्रशासनिक सेवाओं में आकर के धर्म संघ का, समाज का, देश का हित कर सके। वो ऐसी पौध तैयार हो जो अधिकार संपन्न तो हो परंतु नशा मुक्त हो, वो ऐसी पौध तो हो जिसे अपने अपना दर्शन, सम्यक दर्शन स्पष्ट हो, सम्यक चारित्र स्पष्ट हो और उसके आधार पर वो अपना कार्य कर सके। तो गुरुदेव, आज के इस अवसर के ऊपर आप हमें वो मंगल पाथे प्रदान करें, हमें आप वो मंगल उद्बोधन प्रदान करें, आप हमें वो दिशा प्रदान करें कि हमें जाना किधर है। हम वहां पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के बाद अब आगे की यही सही सबसे ज्यादा दिशा भ्रम शुरू होता है। सारी दुनिया हमें बताती है कि हम दुनिया में सबसे समझदार हैं, और कुछ दिनों के बाद हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हमसे समझदार कोई नहीं है, हम अपनी जमीन छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि नहीं, जमीन कहीं और है, तो हम धरा के ऊपर कैसे अपने पैर को टिकाए रखें और जो अवसर हमें मिला है उस अवसर का हम कैसे सदुपयोग कर सकें, इस हेतु आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शब्दों सहित ओम अरहम।